हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ शिक्षा दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी कंटेंट आप लोगों का एग्जाम है नबार्ड ग्रेड ए का एंड बिफोर गोइंग इनटू द एग्ज़ाम आई वांट यू टू कीप सम पॉइंट्स वेरी क्लियरली इन योर माइंड और ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पेपर क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं यू रियलाइज इट और नॉट जो लोग पेपर क्लियर करते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने इन पॉइंट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म किया होता है अल्टीमेटली आपको आपके एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे और अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे अगर सिर्फ पढ़ाई करने से पेपर क्लियर होते होते तो बहुत से लोग पेपर क्लियर करके आज गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं बहुत से लोग जो यूट्यूब के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर या इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ा रहे हैं शायद वो टीचर ना हो के वो रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर जॉब कर रहे होते इट्स अ वेरी ट्रू फैक्ट गाइस ठीक है इट्स अ वेरी ट्रू फैक्ट कि वो आज टीचर ना होकर के बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि हाँ यार बनना ही हमें टीचर था कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर या जॉब छोड़ करके आकर के टीचर बन गए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादातर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर टीचर्स हैं दे डेफिनेटली हैव गिवन द एग्जाम दे माइट हैव नॉट गॉट द प्रेफर्ड जॉब ओके आई एम नॉट सेइंग कि उनका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ आई एम जस्ट सेइंग कि अल्टीमेटली इट इज अबाउट कि उनको उनका प्रेफर्ड जॉब नहीं मिला सो दे थॉट दैट बेटर गो टू टीचिंग तो डेफिनेटली सिर्फ एक आपके पास पढ़ाई किया हुआ होना कोई पैरामीटर नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी होती है वो चीजें क्या हैं फटाफट से डिस्कस करते हैं सबसे पहले दोस्तों लास्ट मोमेंट के लिए वेट ना करें अपने एसेंशियल्स को रेडी करने के लिए अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिफ्थ ऑफ सेप्टेंबर है ठीक है आपका पेपर है सेवेंथ ऑफ सेप्टेंबर को तो पाँच सितंबर को नहीं तो मैक्सिमम छह सितंबर को दोपहर तक बाई आफ्टरनून आपकी एसेंशियल्स रेडी हो जाने चाहिए असेंशियल्स क्या होते हैं आपका एडमिट कार्ड का आपने प्रॉपर प्रिंट आउट निकाला हुआ है ठीक है आपके पास आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रेडी है और उसको आपने प्रॉपर बकायदा पेस्ट कर लिया है आपके पास जो भी आपको आईडी प्रूफ कैरी करने वाले हो आप अपने एग्जाम में जो भी लिस्ट ऑफ आईडी कार्ड्स में से आपने प्रेफर किया है उसका प्रिंट आउट आपके पास रेडी है ताकि लास्ट मोमेंट के ऊपर आपको भागना ना पड़े मैं कई बच्चों को देखता हूँ कि पेपर जिस दिन होता है ना उसी दिन उनको क्या है कि भाई जिस दिन एग्जाम सेंटर में जाना है सेंटर में जाने से पहले अगर घर में प्रिंटर नहीं है तो सेंटर में जाने से पहले वो साइबर कैफे में घुसेंगे टाइम वेस्ट ठीक है इससे क्या होता है अनड्यू एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है ठीक है आप टाइम खराब करते हो आप अपनी एनर्जी खराब करते हो उस दिन आपकी एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के ऊपर फोकस्ड होनी चाहिए प्रिंट आउट निकलवाने पे, फोटो खिंचवाने पे, आईडी प्रूफ के फोटो uh, कॉपीज निकलवाने पे आपकी एनर्जी फोकस नहीं होनी चाहिए अल्टीमेटली आपकी एनर्जी जो आपका बैटल है उसके ऊपर फोकस होनी चाहिए अब आप देखते हो कि यार इंडिया जो है अल्टीमेटली वेपन्स खरीदता है ठीक है हम वेपन्स खरीदते हैं हम uh, वेपन्स मैनुफैक्चर करते हैं हम uh, जेट्स खरीदते हैं तो क्या हम वॉर में अभी आर्वी इन वॉर राइट नाउ नो वी आर डूइंग दिस राइट नाउ ताकि हम वॉर के लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहे जब वॉर शुरू हो जाएगा उस टाइम पर हमारे पास टाइम नहीं होता है कि यार हम हमारे पास टाइम नहीं होता और हमारे पास एनर्जी नहीं होता है कि हम जाकर के हथियार खरीदें ठीक है अल्टीमेटली हथियार पहले से खरीद के रखेंगे कि अगर कभी कल को लड़ाई हो गई तो अपने पास तैयार है तो वही चीज़ आपके साथ एग्जाम के होता है एग्जाम इज अल्टीमेटली और वॉर ठीक है और उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपका उस वॉर के ऊपर ध्यान होना चाहिए आपका उस वॉर के लिए सामान इकट्ठा करने पर ध्यान नहीं होना चाहिए तो मैक्सिमम आपका 6 सितंबर तक आपके पास आपका एडमिट कार्ड रेडी होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो उसके ऊपर चिपकी हुई होनी चाहिए ठीक है आपके पास आपके जो पेन्स आपको कैरी करने हैं वो आपके पास होना चाहिए आपको अगर कोई फेविस्टिक कैरी करनी है वो कैरी होना आपके पास होना चाहिए आई प्रूफ का प्रिंट आउट होना चाहिए और ये सारी की सारी चीज़ें एक जगह पर कंपाइल्ड होनी चाहिए कि बस जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकलो तो आप उसको उठाओ और निकल जाओ और ये डबल चेक करके रखना है छः तारीख को डबल चेक करके रख लेना है कि हाँ यार मेरा सामान सब तैयार है दो बार चेक कर लेना है कि हाँ हाँ ये असेंशियल हैं ये ये रिक्वायरमेंट्स हैं ये सब मेरे पास रेडी है एंड अल्टीमेटली सुबह जब भी जाना है पेपर में तब आपके पास सामान सामान आपने उठाया और निकल लिए एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी उधर दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जिस दिन आपका एग्जाम है उससे एक रात पहले आप आ, अच्छे से सो जाओ उससे एक रात पहले कोई बहुत ज़्यादा रिवीजन करके आपका पेपर नहीं क्लियर होने वाला जो आप पिछले एक साल में नहीं कर पाए पिछले तीन महीने में चार महीने में छह महीने में नहीं कर पाए वो एक रात में नहीं होने वाला ठीक है कहने की बातें होती हैं कि अल्टीमेटली मैं तो रिवाइज कर लिया मैंने तो एसेंशियल पॉइंट्स रिवाइज कर लिए वो मेरी रात की रिविजन से मेरा दो नंबर ठीक हो गया अगर आपको रिवाइज भी करना है तो आप रात को नौ बजे तक आपका मैक्सिमम टाइम होना चाहिए रिवीजन का नौ बजे के बाद आप कोई पहाड़ नहीं तोड़ लोगे और अगर आप रात को तीन बजे तक चार बजे तक जिस दिन आपका एग्ज़ाम है पढ़ रहे हो आप अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हो अल्टीमेटली आप अपने ब्रेन को टायर्ड बना रहे हो उस ब्रेन को टायर्ड कर रहे हो जिसने पूरी की पूरी लड़ाई लड़नी है अगले दिन ठीक है तो जिस दिन लड़ाई होती है वंस अगेन वॉर क्योंकि एग्जाम भी हमारे लिए एक वॉर ही है वॉर से पहले कभी भी फौजी को पूरा रात जगा करके रखोगे तो अगले दिन वो लड़ाई लड़ी नहीं पाएगा उसकी बॉडी नहीं अलाउ करेगी और यहाँ पर जो आपका योद्धा है वो आपका दिमाग है और आपने अगर अपने योद्धा को थका करके रखा तो वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा माइंड आपका सौ गुना बेहतर परफॉर्म करने लगता है अगर आप उसको रेस्ट दोगे टाइमली तो रेस्ट दें अपने ब्रेन को बिल्कुल भी दिमाग में ये मत सोचें यार कि मैं एक दिन पहले कोई पहाड़ तोड़ लूंगा पहाड़ एक दिन में नहीं टूटते हैं एक दिन में ताजमहल नहीं बनते हैं तो आप ये सोच लो कि एक दिन में मेरे तो कुछ मेरे पास कोई अलग ही नॉलेज जा आ जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये वाली सिचुएशन आपकी ना है जो आपको यहाँ पर जी आई दिख रहा है ना ये सिचुएशन कब आती है बेसिकली जब अल्टीमेटली बच्चे सीरियस नहीं होते कि फॉर एग्जाम्पल नौ बजे का रिपोर्टिंग टाइम है ठीक है गेट खुले हैं साढ़े नौ तक तो हम पता क्या टारगेट में लेकर के चलते हैं बच्चे क्या ई एम कर देते हैं इसको ठीक है बच्चे क्या टारगेट में लेकर के चलते हैं कि साढ़े नौ बजे तक मेरे को पहुंचना है सबसे पहले तो ये चीज ही गलत है आपका टारगेट नौ बजे है ना कि साढ़े नौ बजे ठीक है नौ बजे है ना कि साढ़े नौ बजे और नौ बजे से भी पहले आपको पंद्रह मिनट या आधा घंटा पहले पहुंचना है तो जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है ना जो आपके एडमिट कार्ड में आपका टारगेट होना चाहिए कि आप उससे मिनिमम पंद्रह मिनट पहले पहुंचो नहीं तो पता क्या होता है अगर आप लेट हो गए ठीक है आप बड़े कैजुअल हो आप लेट हो गए आपको ट्रैफिक मिल गया आपकी गाड़ी खराब हो गई ठीक है आपको सेंटर नहीं मिला सेंटर का नहीं पता चला मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज हैं उसके अंदर तो उसके बाद क्या होता है आप इस तरीके से जाओगे चांसेस क्या है कि आप मैं ये नहीं, नहीं कह रहा कि आप सेंटर पे नहीं पहुंचोगे हो सकता है कि आप 930 पे आपकी एंट्री क्लोज होनी है आप 929 पे पहुंच जाओ लेकिन जो मेंटल प्रेशर इस सिचुएशन ने आपके लिए क्रिएट किया है ना वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है क्योंकि आपका दिमाग इसी चीज़ में थक चुका है आप, आपने अपने दिमाग को एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया जो उस दिन उसको नहीं लड़नी चाहिए थी आपने अपने सोल्जर को एक ऐसा वॉर के अंदर डाल दिया जो उसका वॉर नहीं था तो इस वॉर के अंदर अपने ब्रेन को बिल्कुल भी मत डालो पंद्रह मिनट पहले पहुंच जाओ बच्चे क्यों नहीं पहुंच पाते सेंटर के ऊपर टाइम पे ऐसा नहीं है कि सब आलसी होते हैं उसका रीज़न जो मैंने आपको पहला रीज़न दिया था जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि एडमिट कार्ड फोटोग्राफ जो भी आपके प्रिंट आउट हैं वो रेडी रहे बच्चे वो रेडी नहीं रखते हैं एंड अल्टीमेटली फिर वो एग्ज़ाम वाले दिन उसको सब कुछ करने की कोशिश करते हैं एंड दैट इज़ वाई दे आर लेट तो एग्ज़ाम से पहले ही आप अपने ब्रेन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हो कि अल्टीमेटली You know, तो एग्जाम हम सबको कट ऑफ दिमाग में रहती है हमारे जो टीचर्स हैं यूट्यूब के ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर कोर्सेज जो हमने परचेज कर रखे हैं उसके अंदर वो टीचर्स भी बता देंगे कि इतनी कट ऑफ जाएगी जी पिछली बार इतनी गई थी इस बार इतनी जाएगी ये सबसे बेड आइडिया जनरली मैं एज अ टीचर कभी भी अपने बच्चों के साथ कट ऑफ डिस्कस ही नहीं करता हूँ कि ये कट ऑफ जाएगी हाँ पिछले साल क्या कट ऑफ गई थी वो एक आइडिया आपको हो तो अच्छी बात है बट इस साल क्या कट ऑफ जाएगी कुछ जब तक एग्ज़ाम नहीं देखा क्या कैसे कह सकते हो कि आप क्या कट ऑफ जाएगी कट ऑफ कैन बी एज हाई एंड कट ऑफ कैन बी एज लो एज पॉसिबल ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का स्टैंडर्ड डिटरमिन करता है ये बड़े से बड़े जो धुरंधर टीचर है ना वो भी नहीं प्री डिटरमिन कर सकते दिस इज जस्ट यू नो एक बच्चे को अल्टीमेटली ये टीचर पता क्यों करते हैं ये सारी चीज़ें क्योंकि वो बच्चे खुश हो जाते हैं सुन करके हाँ यार इस टीचर ने ये कट ऑफ बता दी क्योंकि हम लोगों को क्या है ना हम लोगों को हम जो है ना मेंढक हैं कुएँ के मेंढक हमें कुएँ में रहना पसंद है हमको कोई बता देना कि यार ये तेरा कुआँ है तो हमको खुशी मिल जाती है ठीक है हम अपने आप से डिसीजन लेने के लायक अपने आप को समझते ही नहीं और जिन बच्चों के एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते ना मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं ऑफिसर ग्रेड के अंदर जिन बच्चों के एग्जाम क्लियर नहीं होते एक बहुत बड़ा फैक्टर ये नहीं होता कि उनके उन्होंने पढ़ाई नहीं की है एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है आप अल्टीमेटली हर चीज़ के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो आप इस चीज़ के लिए भी एक टीचर के ऊपर डिपेंडेंट हो कि वो आपको बताए कि एग्जाम में जाकर के तेरे को इतने नंबर टारगेट करने हैं जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसका नाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों है अगर ये स्कूल का पेपर थोड़ी है कि जिसके पचास नंबर आगे सारे पास हो गए कि टीचर बता देगा कि हाँ भी पचास नंबर चाहिए जिसके आगे वो पास ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कॉम्पिटिशन का आइडिया तभी लगता है जब आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपके सामने आता है ठीक है तो प्री डिटरमाइंड कट ऑफ बना करके जब आप जाओगे ना तो आप कुएं के मेंढक बन जाओगे आप अपने आप को एक दायरे में बांध लोगे किसी ने आपको कह दिया कि यार सौ नंबर की कट ऑफ जाएगी फॉर एग्जाम्पल दो सौ में से सौ कट ऑफ जाएगी जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ठीक है तो आपके माइंड में ना बस यही रहेगा कि यार मुझे तो ना किसी तरीके से ना बस सौ क्वेश्चन क्लियर करने हैं सौ क्वेश्चन करने हैं मेरे को अब हो सकता है कि पेपर इतना आसान हो कि अल्टीमेटली कट ऑफ जो है पिछली बार अगर सौ थी या टीचर ने कहा सौ है लेकिन वो एक सौ अस्सी तक चढ़ जाएगी कोई बड़ी बात नहीं है पेपर इतना आसान था हो सकता है पेपर इतना मुश्किल था कि आपकी कट ऑफ फिफ्टी रह गई तो आप लेकिन एक कट ऑफ लेकर के गए हो दिमाग में कि सौ नहीं आए तो मेरा पेपर नहीं क्लियर होगा फलाने टीचर ने कहा है कि सौ नहीं आए तो मेरा पेपर नहीं क्लियर होगा तो उस केस में क्या होगा अगर पेपर बहुत आसान है तो आप सौ की कट ऑफ अचीव करने के बाद या सौ क्वेश्चन करने के बाद आप रिलैक्स हो जाओगे अरे टीचर ने कहा है कि इतनी जाएगी चलो चलो पेपर क्लियर हो गया नाचने लगोगे ठीक है बट अल्टीमेटली यू लूज क्योंकि पेपर इतना ईजी था कि कट ऑफ बहुत हाई चली गई एंड सिमिलरली आपके टीचर ने कह दिया सौ जाएगी कट ऑफ या जिससे भी आपने जो एनालिसिस वगैरह देखे कट ऑफ सौ हो जाएगी अल्टीमेटली पेपर इतना मुश्किल आ गया कि कट ऑफ पचास के लेवल पर आ गई हमने देखा है रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के अंदर ऐसा होते हुए कि एक साल कट ऑफ गई है एक सौ बीस एक सौ इक्कीस नंबर और अगले साल कट ऑफ जो है वो सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स रह गई हमने देखा ये होते हुए तो आपके लेकिन अभी भी दिमाग में यही है कि यार मेरे को तो सौ नंबर चाहिए किसी भी तरह टीचर ने कहा सौ हो जाएगी कट ऑफ लेकिन पेपर पचास वाला है आप ओवर अटेम्प्ट कराओगे तो जो आपके ठीक हो रहे थे ना उसमें भी आप नेगेटिव मार्किंग करा के अपनी कट ऑफ को बिल्कुल बर्बाद कर लोगे ठीक है तो कट ऑफ का एक दायरा पेपर में जाओ अपने ऊपर ट्रस्ट करो अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर के आओ कि पेपर को देख करके जज कर सको कि हां यार ये पेपर मुश्किल है या ये पेपर आसान है इस पेपर के लेवल की कट ऑफ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी हमेशा सिर्फ ये एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि मेरे को फलाने का एनालिसिस के ऊपर पूरा ट्रस्ट हो सकता है वो एनालिसिस बिल्कुल सही हो बट अपने ऊपर भी तो यकीन करो हमने अल्टीमेटली क्या है ना हमें हैंड होल्डिंग की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि हमने अपने ऊपर ही यकीन करना ही छोड़ दिया है और अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पढ़ा रहे हैं ना टीचर उनको भी एक चीज़ के ऊपर फोकस करने की आदत हो गई है कि हैंड होल्डिंग उनको पता है कि बच्चा आएगा ही मेरे पास तब जब मैं उसको हैंड होल्डिंग दूंगा नहीं तो मेरे पास बच्चा आएगा ही नहीं एंड लास्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है ये स्पेशली जिनकी सेकेंड शिफ्ट है ना उनको अवॉइड करनी है ये चीज़ें सबसे पहले तो जैसे ही शिफ्ट हो जाती है फर्स्ट शिफ्ट हो गई ठीक है या सेकेंड शिफ्ट हो गई फर्स्ट शिफ्ट होते ही ना वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स और जितने भी टीचर्स हैं ना वो अनालिस के साथ आ जाएंगे अपने अनालिस ले आएंगे पेपर वाज इजी पेपर वाज मॉडरेट पेपर वाज डिफ़िकल्ट इसके अंदर ये गुड अटैम्प्ट है इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है कुछ नहीं होता उसमें वो पता है क्या करते हैं वो खुद थोड़ी पेपर देने जाते हैं उन्होंने अपना एक या दो स्टूडेंट भेजा होता है उस एक दो आपके मेरे जैसे स्टूडेंट होगा ठीक है एक या दो स्टूडेंट भेजा होगा एंड अल्टीमेटली क्या करेगा वो स्टूडेंट के बेसिस के ऊपर वो पूरे का पूरा बस जल्दबाजी बाज, जल्दबाजी है ना क्योंकि क्योंकि उनको व्यूज चाहिए लाइक्स चाहिए आप जैसे जो बच्चे हैं वो भागते हैं उनके पीछे कि हाँ हाँ एनालिसिस आ गया देखो 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 मेरे को एक बात बताओ चलो उनका एनालिसिस सही भी है हाउ इज़ दैट गोइंग टू हेल्प यू हाउ इज दैट गोइंग टू हेल्प यू इज दैट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे उन्होंने कह दिया कि पेपर मॉडरेट है या पेपर डिफिकल्ट है या पेपर ईजी है क्या वो आपको हेल्प करेगा क्या वो आपकी नॉलेज एनहेंसमेंट है क्या वो आपके पेपर के सॉल्यूशंस के अंदर आपको हेल्प करेगा वो आपके ऊपर कोई हेल्प नहीं करेगा वो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर देगा वो बताएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो बात चिपक जाएगी कि पेपर आसान है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी है एंड अल्टीमेटली पेपर के अंदर कट ऑफ जो है वो आप उसी कट ऑफ के हिसाब से चलोगे कि यार फनालिक की एनालिसिस कह रही है कि ये कट ऑफ जाएगी एंड ये भी हमने ऑब्जर्व किया है एग्जाम्स के अंदर जो एनालिसिस इन इंस्टीट्यूट्स ने सो कॉल्ड टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स एंड ने जो हैं, के बाद, उन्होंने, के के उन्होंने कह दिया है बच्चा वही दिमाग में चीज लेकर के चला गया इजी है कट ऑफ कह दी कि एक जाएगी बच्चा वही कट ऑफ एक लेकर के दिमाग में चला गया बहुत बार नबार्ड के पेपर में भी हुआ आरबीआई के पेपर में भी हुआ एंड अल्टीमेटली वो ओवर अटेम करके आ गया पेपर जबकि पेपर था पचास वाला तो कोई फायदा या तो कोई फायदा हो रहा हो ना कि हाँ यार ये फायदा हो रहा है हमको कि हम शिफ्ट एनालिसिस देखें आपको कोई फायदा नहीं होता 1 का भी वो जस्ट और जस्ट आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है दूसरी चीज अगर आपका शिफ्ट में है या थर्ड शिफ्ट में है आपके जो पिछले शिफ्ट वाले बच्चे पेपर देकर के निकल रहे हैं डोंट टॉक टू देम डोंट टॉक टू देम स्टे अवे फ्रॉम देम अगर वो आपस में भी बात कर रहे हैं ना अपने कान बंद कर लो डोंट लिसन टू देम बहुत से बच्चे मैं आ, जब मैं स्टूडेंट था जब मैं पेपर देता था और अभी भी व्हेन आई एम वर्किंग एज अ टीचर प्रोफेशन इज टीचर तभी मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ जो बच्चे क्लास को पेपर देके बहुत निकलते हैं और बातें करते हुए पेपर बड़ा आसान था अरे उड़ा दिया मैंने तो इतने कर दिए मैंने उतने कर दिए नाइन्टी फाइव परसेंट बच्चों के पेपर क्लियर ही नहीं होते जो एक सीरियस बच्चा है ना जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो फालतू की आ के बातें नहीं करता कि मैं तो इतने कराया इतने नहीं कराया ब्रैगिंग जो है वो नहीं करता है मैं आपको सीरियस नोट पर बताऊं जो ये एक ब्रैगिंग चल रही होती है ना एग्जाम सेंटर के बाहर जो पिछले एनालिसिस वाले निकल रहे होते हैं मैंने तो इतने कर दिए अरे पेपर बड़ा आसान था अरे बड़ा आसान था इससे इजी पेपर वो जस्ट और जस्ट एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू डू इट मैं आपको सच बात बता रहा हूँ और वो ये दुनिया को दिखाना नहीं चाहते कि मेरे को पेपर में कुछ नहीं आता था मैक्सिमम बच्चे वो होते हैं तो उस चक्करों में आप बिल्कुल भी मत पड़े वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उनको पेपर आसान लगा या मुश्किल लगा हाँ हो सकता है कि किसी को कोई चीज़ मुश्किल लगी हो वो आपके लिए आसान हो आपने उसने एक महीना मेहनत किया आपने एक साल मेहनत की है तो क्या कैसे जज करोगे कि उसके उसके उसकी माइंड की कैपेसिटी के हिसाब से आप अपनी माइंड की कैपेसिटी को क्यों जज कर रहे हो हो सकता है कि उसके लिए कोई चीज बहुत मुश्किल कोई बहुत चीज आसान हो आपके लिए बहुत मुश्किल हो क्योंकि उसने वो टॉपिक किया आपने नहीं किया इसमें क्या बड़ी बात है है ना तो इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है और जब आप ये सारी चीजें करोगे ना जब आप इन पाँच पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो अल्टीमेटली आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपका माइंड जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे ना तो बहुत लाइट होएगा अभी क्या होता है ना बच्चों का एग्जाम के अंदर क्योंकि पेपर का देखो सिस्टम ऐसा है ना आपको सेंटर uh, पे पहुंचना है पंद्रह मिनट पहले गर्मी का टाइम है धूप में आपके कागज़ वागज़ चेक होंगे अंदर जा कर के आप बैठोगे अंदर जा कर के बैठने के बाद आधा घंटा अराउंड आप कमरे के अंदर बैठे रहते हो बायोमेट्रिक वगैरह होता है पेपर स्टार्ट नहीं होता तो वो खाली दिमाग सा होता है और उसके अंदर वैसे ही आदमी फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है है ना तो और आप ये सारी चीज़ों का टोकरा अपने सर पर ले कर के बैठ जाते हो तो वो और दिमाग भारी हो जाता है तो इन सारी चीज़ों को आप अल्टीमेटली अवॉइड करें एंड जब आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे दैट देर इज़ अ लॉट बेटर परफॉर्मेंस दैट यू आर एबल टू गिव ठीक है तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों ये पांच पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं विच इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन टू योर एग्जाम ओके जस्ट गिव मी एंड एक और पॉइंट है आपके लिए सिक्स पॉइंट जो आफ्टर द एग्ज़ाम आपको फॉलो करना है ये सारे पॉइंट्स थे जो पाँच पॉइंट्स थे जो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम या बिफोर द एग्ज़ाम आपको फॉलो करने हैं जो सिक्स पॉइंट है वो आफ्टर द एग्जाम है आफ्टर द एग्जाम जस्ट बिकॉज ऑफ द एनालिसिस एनालिसिस में किसी ने बोल दिया कि एक नंबर कट ऑफ जाएगी ठीक है और आपके आपको लगता है कि एक बन रहे हैं या सौ बन रहे हैं ठीक है आप सिर्फ उस एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट करके एग्ज़ाम की मेंस की प्रिपरेशन छोड़ देते हो डोंट डू दैट क्योंकि प्री के रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता कीप प्रिपेयरिंग फॉर द मेन्स बिकॉज उसके एनालिसिस रॉन्ग होने की बहुत हाई प्रॉबिलिटी है करेक्ट होने की भी प्रॉबीबिलिटी है बट रॉन्ग होने की भी बहुत हाई प्रॉबीबिलिटी है और अगर वो रॉन्ग हो गया और आपका बाईचांस पेपर क्लियर हो गया तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे क्योंकि अल्टीमेटली प्री के बाद आपने पढ़ना छोड़ दिया बिल्कुल आपने अपना टच खराब कर दिया हो सकता है एक हफ्ते बाद प्री का रिजल्ट आए ठीक है क्योंकि पेपर प्री और मेंस में आपको हार्डली एक महीने का टाइम मिलता है ठीक है हार्डली एंड अल्टीमेटली एक हफ्ता आपने अपना वेस्ट कर दिया जस्ट बिकॉज आपने किसी के एनालिसिस के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया और अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं किया वंस अगेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है हमारे अंदर इंडियन uh, स्टूडेंट्स के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के कि हम अपने ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट करना नहीं सीखते हैं और इसमें इंडियन स्टूडेंट्स की गलती नहीं है जो एजुकेशन का सिस्टम बना दिया गया है ना स्पेशली ये इंस्टीट्यूट्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म्स ने कि वो चाहते ही नहीं है कि आप अपना माइंड यूज़ करो क्योंकि अगर आपने अपना माइंड यूज़ कर लिया ना तो बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएंगी तो अल्टीमेटली यहाँ पर अपना माइंड यूज़ करो और प्रिपेयर करो आप छः महीने से एक साल से प्रिपेयर कर रहे हो तो एक हफ्ते में और आप कोई आपको अमेरिका के प्रेजिडेंट के इलेक्शन नहीं लड़ने हैं जो एक हफ्ता और ख़राब हो गया तो आप बर्बाद हो जाओगे ठीक है तो डेफिनेटली डू दिस एंड यूल सी बेटर रिजल्ट कमिंग और वेगाइस और राइट तो हेयर आई विल एंड द लेक्चर गाइज एंड टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है कॉन्टैक्ट कर सकते हो फोन पर व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो वीडियो में कमेंट कर सकते हो ओके चलिए सो सी यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट